आँखों के अंग, उनसे जुड़े दोष और संशोधन के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस के माध्यम से जाना। साथ ही हमारी आँखें कितनी संवेदनशील और पेचीदा है इस पर भी चर्चा की। हमने ये भी जाना कि आँखों के जरिए हम दूर एवं करीब रखी वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी आँखें हमें सब कुछ दिखा पाती है? क्या हम संसार में हो रहे विभिन्न बदलाव को देख पाते हैं? जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो वैसे ही है जैसे हमारी आंखें दिखा रही हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छूट रहा है? कुछ ऐसे ही सवाल मेरे मन में भी उठते हैं जब मैं इंद्रधनुष को देखता हूँ। बारिश के बाद अचानक ऐसा क्या होता है जो इंद्रधनुष दिखने लगता है? या फिर खुले आसमान को देख कर ये सवाल उठता है कि ये नीला क्यों है, हरा या लाल क्यों नहीं? क्या आपको ऐसे कई सवालों के जवाब जानने हैं? तो आखिरी तक वीडियो के साथ बने रहे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें श्वेत एवं वाइट प्रकाश का सोर्स और एक प्रिज्म की आवश्यकता होगी। प्रिज्म ग्लास स्लैब की ही तरह कांच से बनी एक वस्तु है जिसके दो त्रिभुज और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। कोई भी दो आयताकार पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म कोण या एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। एक अंधेरे कमरे में प्रिज्म को त्रिभुज की तरफ से बेस बनाकर रखें और किसी भी एक आयताकार पृष्ठ पर प्रकाश डालें। प्रिज्म पर प्रकाश के पड़ते ही दूसरी तरफ हमें कुछ रंगों से बनी एक पट्टी दिखाई देगी। इस पट्टी को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सात रंग होते हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन सात रंगों को याद रखने के लिए अंग्रेजी में विबग्योर भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के रंगों की इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं और प्रकाश के सात रंगों के विभाजन को विक्षेपण या डिस्पर्शन कहा जाता है। प्रिज्म प्रकाश को अपवर्तित कर उसकी दिशा बदल देता है। यदि ध्यान से देखें तब पता चलेगा कि हर रंग प्रिज्म के साथ एक अलग कोण बनाता है और अपने अलग रास्ते पर गमन करता है। आइजक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश को सात रंगों में तोड़ा था और दूसरा प्रिज्म उल्टी दिशा में लगाकर फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त किया था। न्यूटन ने ये कहा था कि श्वेत प्रकाश सात रंगों से बनी है। तो क्या इंद्रधनुष के बनने का कारण भी सूर्य से आ रही श्वेत प्रकाश का डिस्पर्शन होता है? हाँ, लेकिन हमें कोई प्रिज्म तो दिखाई नहीं देता, फिर प्रकाश को रंगों में कौन बांटता है? दरअसल बारिश के बाद वायुमंडल में पानी की छोटी छोटी बूंदें उपस्थित रहती है। इन बूंदों में प्रकाश अपवर्तित होकर सात रंगों में बट जाता है और फिर अंदरूनी हिस्सों से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिस कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये बात ध्यान रखें कि ये इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। तो क्या सूर्य सिर्फ श्वेत प्रकाश ही देता है या कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं पाते? सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें रेडियो किरणों से लेकर गामा किरणें होती हैं, सूर्य से चलना शुरू करती हैं। हर किरण की अपनी वेवलेंथ होती है, जिसमें से कुछ वायुमंडल में ही रुक जाती है और कुछ धरती पर पहुंच जाती है। सिर्फ श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को ही हमारी आंखें देख पाती है। इन तरंगों के बारे में हम बड़ी कक्षा में विस्तार में पढ़ेंगे। ये किरणें संसार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं पर पड़ती है। हर वस्तु का प्रकाश को सोख लेने का अपना तरीका होता है। सेब हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सेब अपने अंदर सारे रंग सोख लेता है सिवाय लाल रंग के, जो कि परावर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमें सेब लाल दिखाई देता है। तो आसमान में ऐसी क्या चीज है जो हमें वह नीला नजर आता है? क्या आसमान भी सेब की तरह सारे रंगों को सोख लेता है और सिर्फ नीले रंग को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करता है? जवाब है नहीं। जब ये सात रंग हमारे वायुमंडल में दाखिल होते हैं, तब वायुमंडल में उपस्थित हवा और छोटे कणों के अणु, जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज प्रकाश की पट्टी की वेवलेंथ से भी छोटा होता है, ये कण नीले रंग को बिखरा या स्कैटर कर ऐसा प्रतीत करते हैं कि आसमान नीला है।
अब आप सोच रहे होंगे, यदि ये तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ पर निर्भर करता है तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? उसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ तो सबसे कम होती है। इसका कारण है कि सूर्य नीले रंग की किरणें ज्यादा पैदा करता है। यदि वायुमंडल के कणों के कारण आसमान नीले रंग का दिखता है तो सुबह और शाम में हमें आसमान लाल रंग जैसा क्यों नजर आता है? यदि सुबह और शाम के समय को देखें तो सूर्य क्षितिज के पास होता है और सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में ज्यादा समय तक गमन करता है, जबकि दोपहर के समय यही दूरी कम हो जाती है। ज्यादा समय तक वायुमंडल में रहने के कारण नीली और बैंगनी रंग की किरणें पहले ही प्रकीर्ण हो जाती है और हमारी आंखों तक लाल रंग ही पहुंचता है। ये आसमान का नीला और लाल दिखना टिंडल प्रभाव की ही एप्लीकेशन है। किसी भी माध्यम में झूलते कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण होना ही टिंडल प्रभाव को जन्म देता है। अंधेरे कमरे में किसी कोने से आ रही धूप की रोशनी टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। तो आज हमने जाना कि हमें जो दिख रहा है उसके पीछे भी विज्ञान का रहस्य छिपा है। संसार में हो रहे हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। विज्ञान ये नहीं कहता कि किताबों में लिखा ही सिर्फ याद किया जाए, बल्कि ये कहता है कि जो भी आसपास हो रहा है उसे ध्यान पूर्वक देखने के साथ साथ सवाल भी करें कि ये हुआ तो आखिर क्यों हुआ। क्या पता न्यूटन की तरह सात रंगों में श्वेत प्रकाश बांटने जैसी आप भी कोई नई खोज कर संसार को समझने में हमारी मदद कर दें।